पता नहीं क्या हो रहा है इस हाउस में, मुझे बहुत से साल हो गए, मैंने बहुत बार बहुत से डिबेट सुने, लोग अच्छी कोई बात होती थी, अच्छा मुद्दा होता था उसके ऊपर घंटों चर्चा किया करते थे, और अगर समय कम होता था डिस्कशन में तो वो कहते थे चलिए बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसके ऊपर आगे बात करेंगे। यू हैव मेंशन्ड दैट एनीमिया अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम 6 months टू 59 months इज 69.4%, दैट्स आधी आबादी, और आपका जो रेट ऑफ अटेंडिंग टू दिस प्रॉब्लम इज 3% पर ईयर, 3%। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर यू टू रियली बी इफेक्टिव एंड प्रोड्यूस अ जेनरेशन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन, नॉट स्टंटेड चिल्ड्रन? आई विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स दैट other speakers are also going to go through. Sir, I think for this we need a very focused planning. देखा गया है कि ज्यादातर malnutrition women और child में या तो गरीब तबके के लोगों में होता है या कमजोर, और rural India में बहुत ज्यादा होता है, खास तौर से villages में, because there is not enough knowledge. और एक डिफरेंस भी है कि माँ जब रोटी देती है तो पहले बेटे को 2 रोटी देगी, बेटी को 1 रोटी देगी, तो इस तरह का जो माइंडसेट है दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैल न्यूट्रिशन। वी नीड टू एजुकेट मदर्स, वी नीड टू एजुकेट वुमेन, एंड आई थिंक वी नीड टू एजुकेट देम थ्रू through a method which is easily understood by them, because aaj zyadatar jo mahilaen hain, jo maaye hain, they are not educated enough to understand these high funda systems that we are using. So mantri ji, mujhe lagta hai ki iske liye aapko bahut zyada dhyan dena padega. Ek to aapko ise gram panchayat level se shuru karni padegi, ki you know that, so that they can communicate. And I don't know in 3 minutes there is so much to speak, but आप बहुत capable हैं, नहीं mover first, एक first mover, first mover का जो नियम है माननीय मिश्रा जी, मैं वही कह रहा हूँ जो नियम आप सब लोगों ने बनाया जो वर्षों चल रहा है, जो नियम है मैं उसका आग्रह कर रहा हूँ। आप बोले जया जी, आप तो बहुत स्पष्ट और कैपेबल वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं भाई आप। आप बोले प्लीज सर। एंड द सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी सिस्टम, आई मस्ट टेल यू दैट बिफोर वी स्टार्टेड दिस डिस्कशन, कैकशा, विजया एंड आई सैट एंड वी स्पोक टू सम ऑफ द अदर वुमेन मेंबर्स ऑन दिस of this house, and we decided what one is going to say, that we have, so that we are not repetitive. magar main ye kehna chahti hu ki jahan jahan bahut severe problems hain wahan jab tak repetitively nahi kiya jaye wo baat ghar nahi karta, ye bar bar bolna padta. ghanti baji kya? 4 minute ji. sorry. ha sir, main zyada samay nahi lungi. I think that children who have a stunted growth needs special care. Is the government going to provide a special system where these children grow out of this stunted growth period and develop into good nationals? Because tomorrow they are going to be the citizens, a lot of them are going to be sitting here, lot of them are going to be leaders. They need a healthy body and a healthy mind to run a healthy country. The rest I will communicate to the minister, I will write to her and I will explain. Thank you Jaya ji. Thank you very much. Jaya ji ne aaj is chinta ko vyakt kiya ki jis rate par hum kuposhan ko aur vishesh anemia jaise ek chunauti ko samadhan ki drishti se dekhte hain, wo shayad par annum ki drishti se bahut kam sankhya hai. Anemia ke is chunauti se samadhan tak pahunchne mein varshon varsh lag jayenge. नेशनल हेल्थ सर्वे के 2, 3 और 4 को देखते हुए किस टारगेट पर सेंटर और स्टेट पहुंच सकता है, ये एक टारगेट, ये डेडलाइन
पोषण अभियान में प्रदेश सरकारों के साथ बात करके टारगेट हमने सेट किया, लेकिन आपके माध्यम से मैं आदरणीय सांसद को बताना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने T3 नाम की एक स्ट्रेटेजी विशेष अनीमिया के लिए काम में लाई है, टेस्ट ट्रीट एंड टॉक। इसके अंतर्गत भले ही लक्ष्य 10 लाख तक का रखा गया था पोषण पखवाड़ा में मार्च के महीने में, लेकिन टोटल बच्चे जो हमने होम विजिट से कवर किए वो थे 48 लाख। और मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमें अवगत कराया है कि लगभग 1,96,000 कैंप्स अनीमिया के सिर्फ संदर्भ में पोषण पखवाड़ा में हमने किए। टारगेट था 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का, लेकिन लगभग 1,60,00,000 से ज़्यादा सिटीजन्स को हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशेष सिर्फ अनीमिया के लिए एक पखवाड़ा में पहुंच पाए। ये भी सत्य है कि जब आप कन्वर्जेंस की दृष्टि से काम करने का प्रयास करते हैं तो पंचायती स्तर पर कैसे ये कन्वर्जेंस दिखता है उसके संदर्भ में मैं माननीय अमित जी को भी अवगत कराना चाहती हूँ कि हम विलेज लेवल पर हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन डे को विशेष रूप से मनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स करने का प्रयास करते हैं। अभी एक महीने पहले तक हम पिछले अगर 2-3 महीने का ही अगर कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स का आंकड़ा देखें सर, तो 1,30,00,000 से ज़्यादा कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स हम लोग विलेज लेवल पर सिर्फ विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन डे के माध्यम से कर पाए हैं। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए 2-3 प्रमुख मुद्दों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारी पश्चिम बंगाल की सांसद शांता जी ने विशेष सदन के माध्यम से मुझे अपील की कि क्या पश्चिम बंगाल के बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम नेशनल मॉड्यूल का हिस्सा बना सकते हैं।